मुझे गुड लक फॉर्म है 180 की। डी का शेयर कितना आया? डी का शेयर 16 है। 180 का 1 से कितना होता है? गुड लक फॉर्म है जो 180, डी का शेयर है 16, 30,000 होता है, कितना होता है? हाँ 30,000 किस रेशो में बांटोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। किस रेशो में? ए बी सी की ओल्ड रेशो क्या है? 3:1 है। न्यू रेशो क्या है? 2:1। ठीक है, जो ए बी सी की ओल्ड रेशो है 3:1, ए बी सी डी की न्यू रेशो है 2:1:1। ओल्ड माइनस न्यू कर दो, ओल्ड माइनस थ्री बाय सिक्स माइनस 2:6, 1:6, 2:6 माइनस 2:6 निल, सी का 1:6 माइनस 1:6, सर ए ने सेक्रीफाइस किया, यानी सारी गुडविल किसको मिलेगी? हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रिया गुडविल, प्रिया गुडविल डेबिट टू ए, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रिया गुडविल, प्रिया गुडविल डेबिट टू ए, 30,000 रुपये कैश अकाउंट डेबिट टू प्रिया गुडविल, प्रिया गुडविल डेबिट टू ए, 8,000 हो गया। जो रिजर्व गुडविल रिवैल्यूएशन, तीनों चीज हो गई, यानी याद रखने वाली बात है, जो कैपिटल फिक्स होती है तो RGR कहाँ होता है? करंट अकाउंट में होता है। कहाँ होता है? अब जो कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है जी हमें, ए बी सी डी, ए बी सी डी, जो कैपिटल एडजस्टमेंट है ना वो कैपिटल अकाउंट में होगी। हाँ जी मैडम, कोई कह रहे इसे चलाओ यार, बंद कर दो, बड़ी कंफ्यूजन है। हाँ जी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ए की कैपिटल कितनी है जो 350, बी की कैपिटल कितनी है 3 लाख, सी की कैपिटल कितनी है 0.1। फर्स्ट पढ़ लीजिएगा, डी लेकर आ रहा है 1 लाख कैपिटल फॉर 16 शेयर, डी लेकर आ रहा है कैपिटल 16 शेयर के लिए, हाउ मच? 1 लाख डी लेकर आ रहा है कैपिटल 1 लाख, डी लेकर आ रहा है 1 लाख कैपिटल फॉर 16 शेयर। लास्ट पॉइंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डी कैपिटल थ्रू देयर करंट अकाउंट। हमें जो कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है थ्रू देयर करंट अकाउंट, यानी कैसे करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट? डी कैपिटल कितनी है 1 लाख, डी कैपिटल कितनी है फॉर 16 शेयर, फॉर टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी हो गई? टोटल कैपिटल इज 1 लाख इंटू रेसिप्रोकल शेयर, 1 लाख इंटू रेसिप्रोकल शेयर इज 6 लाख। अब जो 6 लाख को बांट दो जी किस रेशो में? न्यू रेशो में। 6 लाख को बांट दो न्यू रेशो में, मैं अलग से वर्किंग नोट नहीं बना रहा, यहीं पे लिख रहा हूँ। 6 लाख को बांट दो न्यू रेशो में, न्यू रेशो क्या है 2:1:1, न्यू रेशो क्या है? तो टोटल कैपिटल जो 6 लाख आई है वो किस रेशो में होनी चाहिए? न्यू रेशो होनी चाहिए। 6 लाख जो होनी चाहिए न्यू रेशो होनी चाहिए, 2 लाख 2 लाख, 2 लाख 2 लाख, 1 लाख 1 लाख। तो जो ये 6 लाख टोटल कैपिटल आई है वो किस रेशो में होनी चाहिए? न्यू रेशो होनी चाहिए। किस रेशो होनी चाहिए? 6 लाख की कैपिटल आ गई तो न्यू रेशो बांट दिया। अब एडजस्टमेंट कहाँ करनी है? करंट अकाउंट में। कहाँ करनी है? देखो जो ये ओल्ड कैपिटल है 350, न्यू कैपिटल है 2 लाख, तो जो एग्जिस्ट कैपिटल से कहाँ डाल दो? करंट अकाउंट में। जो एग्जिस्ट कैपिटल है वो कहाँ डाल दो? करंट अकाउंट में, 2 करंट। ऐसे 3 लाख यहाँ, 2 लाख 1 लाख, 2 करंट, ऐसी 2.50, 1.5 लाख करंट। तो ये तीनों चीज़ें करंट अकाउंट में चली जाएंगी। इधर करंट, इधर कैपिटल डेबिट हो रहा है तो करंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। करंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। 150, 1 लाख, 150। बस 2 बैलेंस सीडी कर दो जी।
कहाँ से? कैपिटल एडजस्टमेंट मैडम, टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 6 लाख। इसे न्यू रेशियो में ऐड दिया, ठीक है ना? कंपेयर कर लो, ये ओल्ड कैपिटल है, ये न्यू कैपिटल है, एग्जिस्ट करंट में डाल दिया। यही करते हैं, ए कैपिटल टू ए करंट। अगर कैश में करना होता तो विड्रॉ हो जाता, ए कैपिटल टू कैश। जो मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ, मैंने वर्किंग नोट नहीं बनाया, यही कर दिया। ए कैपिटल ओल्ड कैपिटल ये है, न्यू कैपिटल ये है, तो ये विड्रॉ कर रहा है, घर लेकर जा रहा है। ए कैपिटल टू ए करंट, ये भी घर लेकर जा रहा है। बी कैपिटल टू बी करंट, तो क्रेडिट बना रहे हैं हम। एस सी कैपिटल टू सी करंट, तो जो इधर डेबिट है उधर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ आ गया? मतलब जो एग्जिस्ट कैपिटल है ना, जो एग्जिस्ट कैपिटल है वो घर ले गए। अगर कैश में करना होता तो विड्रॉ कर देते, कैश में नहीं करा क्रेडिट बना रहे हैं। बस यहाँ टू बैलेंस सीडी निकाल लीजिएगा। हाँ, करंट अकाउंट बनाना नहीं था, उसमें सीधा ही उसमें लिख दिया था। हाँ, टू बैलेंस सीडी कर देना, जो 2010509400 और 166350। और मुझे एक बार और याद रखना, मैंने पहले भी बताया, कई बार क्वेश्चन लिखा नहीं होता कि कैपिटल एडजस्टमेंट करंट से करनी है कैश से करनी है, तो कैसे करते हैं? कैश से। कैसे करते हैं? बस जो लिख दो, बस बैलेंस शीट में पुट कर दो, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल है ए बी सी डी, हाँ जी, 2 लाख 2 लाख, 1 लाख 1 लाख। करंट अकाउंट भी यहाँ लिख दो, करंट अकाउंट ए बी सी 2010050 9470। कैपिटल बैलेंस ही तो आया, यही तो है कैपिटल बैलेंस, न्यू बैलेंस यही तो है। हमें न्यू बैलेंस लिखने होते हैं, हम सबके क्वेश्चन में न्यू बैलेंस ही तो लिखते हैं। ये जो कैपिटल के बैलेंस ये आए, करंट अकाउंट के बैलेंस आए, ये करंट अकाउंट के बैलेंस, ये कैपिटल के बैलेंस। क्रेडिटर बीपी में कोई चेंज नहीं, बैलेंस शीट में क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं, बीपी में कोई चेंज नहीं। लैंड बिल्डिंग हो चुका है, प्लांट और मशीनरी हो गया क्या बच्चों? यस। फर्नीचर हो गया, बीआर हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, स्टॉक तो नहीं हुआ, हो गया बस। बैंक रह गया बच्चों, बैंक में क्या क्या आ जाएगा? बैंक बैलेंस है 87,000, बैंक बैलेंस है 87,000 14008, जो बिल डिसओनर हुआ था। और कुछ? 1,30,000 ऐड कर दो। गुडविल भी आया? हाँ। कितनी गुडविल आया? गुडविल आया, ये 130 क्या था? कंबाइंड, अच्छा 130 में गुडविल और वो कंबाइंड थी ना। बस और तो कुछ नहीं रह गया ना। बीआर हो गया 87,000 में बीआर माइनस किया और कैपिटल गुडविल मिला के 2 2 बार करोगे तो जाके स्पीड बनती है, ऐसी स्पीड नहीं बनती। स्कूल में आ सकता है, बोर्ड में नहीं आ सकता है क्वेश्चन। हाँ, स्मॉलर वर्जन आ सकता है, एडजस्टमेंट कम कर दें। बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन बनाना होगा, कंसेप्ट आ सकते हैं, क्वेश्चन नहीं आ सकता इतना बड़ा, क्योंकि 6 नंबर में इतना बड़ा आ गया तो तुम कम से कम भी आधा पौना घंटा लगा दोगे। अब करंट अकाउंट देखो जी, आधे से आधा क्वेश्चन तो मेरे को इसलिए कराने पड़ते हैं कि स्कूल में आते हैं, बोर्ड में अगर बोर्ड के हिसाब से कराऊँ ना, आधे आधे क्वेश्चन तो वैसे डिलीट हो जाएंगे, वीआई वाला तो आ ही नहीं सकते।
स्कूल की भी तैयारी करानी पड़ती है। हाँ मैडम बताओ। अब जनरल एंट्रेंस पे आ जाओ जी। क्या टाइम हुआ एग्जैक्ट बताना। 9 हो जाएगा जी, सब हो जाएगा। मैं ना आप 5 मिनट की वीडियो देख लेना ना, 5 मिनट वीडियो देख लेना। क्यों वीडियो नहीं देखते 5 मिनट की? 5 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते? हाथ धो तो। एंट्री पेज में बताना एंट्रीज का। आप देखते हैं कितनी एंट्री है। पेज नंबर पागल थोड़े हो गए, जो रह गई वही कराऊंगा। इतने 52 एंट्रीज हैं। हाँ पेज नंबर कौन सा? 41 49 हाँ जो देखो जी, मेरा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरा पेज नंबर 47 पे है। आपका कौन सा है? हाँ ये 39। 4 पेज का फर्क है भाई, 47 या 39। नहीं 47 या पेज 47 या कौन सा 30। सुनो बच्चों, या पेज 47 या 39 है। इस पेज पे देख लो कोई एंट्री रहती है 1 to 9 एंट्री में कोई रहती है एंट्री? सारी करा दी मैंने 1 to 9 में। टिक लगाया हुआ तुमने? मैंने 1 to 9 में सारी एंट्री करा चुका हूँ। कोई ऐसी एंट्री नहीं है जो जो बची हुई है 1 to 9 में। ये पेज पूरा हो चुका है, ये पेज आगे आ जाओ जी। अगला पेज पूरा है, अगला पेज पूरा है जी। नेक्स्ट पेज पे भी मतलब 1 to 21 एंट्री तक मैं सारी करा चुका हूँ। 1 से 21 तक सारी एंट्रीज में करा चुका हूँ, कोई भी एंट्री नहीं रहती है। ओके आगे आ जाओ। हाँ जी 43 पे भी अभी है, पेज 43 पे भी है। मैं 1 to 21 एंट्री सारी करा चुका हूँ किसी ना किसी क्लास के अंदर। अब आ जाओ जी पेज नंबर अगला, एंट्री नंबर आ जाओ 22 पे। एंट्री नंबर 22 पे आ जाओ जी। एंट्री नंबर 22 भी करा चुका हूँ, 23 भी करा चुका हूँ, करा चुका हूँ 22, 23, 24 नहीं कराई, नहीं कराई 22 भी नहीं कराई। आओ जी 22 देखते हैं। एंट्री नंबर 22 देखो जी। एंट्री नंबर 22, अ लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 200 इज क्रिएटेड इंस्पेक्टर क्लेम फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द फॉर्म। मुझे एक ना लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है इंस्पेक्टर क्लेम फॉर डैमेजेस। तो जो एक लाइबिलिटी आ गई क्लेम फॉर डैमेजेस की, किसी ने हमारे पर हमने जो गुड्स बेचे थे उसे वो डैमेज निकले, उन्होंने केस किया और हम हार गए, हमें क्लेम फॉर डैमेजेस देना पड़ेगा। एंट्री क्या आएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर डैमेजेस। रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और बैलेंस शीट में क्लेम फॉर डैमेजेस आ जाएगा। रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और बैलेंस शीट में क्लेम फॉर डैमेजेस आ जाएगा। ओके एंट्री नंबर 23, एन आइटम 130 इंक्लूडेड सेंटीग्रेड इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 130 रुपये एक राइटर है जो वो क्लेम नहीं होंगे। क्या एंट्री आएगी? सेंटीग्रेड टू रिवैल्यूएशन। लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है टू रिवैल्यूएशन। सेंटीग्रेड टू रिवैल्यूएशन, सेंटीग्रेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेंटीग्रेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 130 24 हो चुका है, 24 हो चुका है जी। 25 सर लाइबिलिटी कम होगी तो प्रॉफिट होता है ना। सेंडिक्रेटर टू रिवर्सल, रिवर्सल क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिटर कम हो जाएंगे बैलेंस शीट में। एंड 25 बच्चों, 25 में ना बैलेंस शीट में कंटीजेंसी रिजर्व है, नीचे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है कंटीजेंसी रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। कंटीजेंसी रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड, तो पार्टनर बांट जाएगा ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? तो कंटीजेंसी रिजर्व अगर कोई बैलेंस शीट में दे रखा है और वो लिखा हुआ है कोई जरूरत नहीं है तो उसे बांट दो ओल्ड रेशियो में। मान लो ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो बांट दो, रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल। कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट टू ए एंड बी इन ओल्ड रेशियो, कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट टू ए एंड बी इन एंट्री नंबर 26 है जो एंट्री नंबर 26 है। क्रेडिटर इंक्लूड अ कंटीजेंट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में क्रेडिटर है
जिसमें कंडीशनल लायबिलिटी थी, कंडीशनल लायबिलिटी क्या होती है, विच में अराइज और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर इवेंट, चार सारी कंडीशनल लायबिलिटी है, लेकिन डिसाइड बाय द कोर्ट एट 3200, मतलब कोर्ट ने कितने में डिसाइड की, तो 4000 की लायबिलिटी कोर्ट डिसाइड कर रहा है कितने में, यानी कितने का प्रॉफिट हो गया 800। क्या एंट्री आएगी, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर में इंक्लूड है, 800 रुपये क्रेडिटर पे नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि 4000 की लायबिलिटी 3200 में पे कर दो, 800 रुपये का प्रॉफिट हो गया क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर टू क्योंकि क्रेडिटर में इंक्लूड है वो लायबिलिटी, वो लायबिलिटी कहाँ इंक्लूड है, क्रेडिटर में इंक्लूड है। एंट्री नंबर 27, एंट्री नंबर 27 देखिएगा, इन रिगार्ड टू डेटर द फॉलोइंग डेट प्रूव बैड, 2000 ड्यू फ्रॉम एक्स बैड टू द फुल एक्सटेंट, जो एक ना डेटर है जिसका नाम है एक्स, पूरी तरह डूब गया, पूरी तरह से क्या एंट्री आ जाएगी, बैड डेट टू डेटर, अगर बैड डेट हो गया ना, एक एक्स डेटर था वो डूब गया, तो एंट्री आ जाएगी बैड टू डेटर, और बैड डेट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन टू बैड डेट, एक एंट्री करना चाहता तो एक कर लो रिवैल्यूएशन डेटर, आप मर्जी, आपकी मर्जी है ना, कंबाइन कर, मैं तो समझाता हूँ लॉजिक बताता हूँ, पहले बैड डेट टू डेटर फिर रिवैल्यूएशन टू बैड डेट, बैड डेट बैड डेट कट जाएगा रिवैल्यूएशन टू डेटर, जैसे आओ कन्वीनियंट हो, अगर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो डायरेक्ट एंट्री कर दो, आप रिवैल्यूएशन टू डेटर कर दो, वैसे बैड डेट वाली एंट्री तो मैंने हमेशा यही बताई है बैड डेट टू डेटर। आगे चलते हैं जो नेक्स्ट, एक है 4000 ड्यू फ्रॉम वाई है, इसी का पॉइंट है, 4000 ड्यू फ्रॉम सर, 4000 ड्यू फ्रॉम वाई है, इनसॉल्वेंट स्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50%, जो एक वाई डेटर है वो कंगाल हो गया, क्या हो गया, घर बार बेच के कितने पैसे मिलेंगे 50%, घर बार बेच के कितने पैसे मिलेंगे, अभी कंगाल हुआ मिलने की एक्सपेक्टेशन है कि 50% मिलेंगे, यानी जो एक्सपेक्टेशन होती है जहाँ पर, अभी डूबा नहीं है, नहीं नहीं हमारे डूबने का कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, फ्यूचर के लॉस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, फ्यूचर के लॉस को रिकॉग्नाइज, तो 50% डूबने की शंका है, 50% मिलेगा 50% डूबने की शंका है, जहाँ पे कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको कोई फ्यूचर लॉस होने वाला है उसके अगेंस्ट क्या बना दो, प्रोविजन बना दो, क्या बना दो, तो जो 50% डूबने वाला है उसके अगेंस्ट क्या बना देंगे, प्रोविजन बना देंगे, क्या बना देंगे, तो उसके अगेंस्ट प्रोविजन बना देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो डूबने वाला है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहता है कि जो फ्यूचर में डूब सकता है, लॉस हो सकता है, उसके अगेंस्ट प्रोविजन बना दो आप, हाउ मच जी, 4000 का 50%, जो ये जो है ना, अभी अभी हमने पॉइंट किए, ये ना क्वेश्चन 52 में है, ये जो अभी अभी ये वाला पॉइंट किया, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि भैया मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन ना कराने की जगह मैंने क्या कर दिया, जनरेंटिस करा दी, क्या करा दी, क्योंकि भैया ऐसे तो हम अगर सारे सारे क्वेश्चन करने लग जाएंगे एडमिशन ही चलता रहेगा जून ही, वो ख़त्म नहीं होगा, तो मैंने स्मार्ट वे किया कि जो पॉइंट थे वो करा दिए, आप घर में क्या कर लेना, क्वेश्चन नंबर 52 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 52 इसमें ये वाले पॉइंट्स हैं, एंट्री नंबर 27 है, वो जो स्टॉक अंडरवैल्यूड वाला वाला भी पॉइंट करा रखा है वो भी है उसके अंदर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 कर लेना अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, मेरा पेज नंबर 63 है, मेरा 62-63 है, पेज 62-63 है, और किसी का क्या है 59-60 होगा, वापस आ जाओ जरा एंट्रीज पे, 58-59, हाँ जी वापस आ जाओ जरा एंट्रीज पे, हाँ जी एंट्री नंबर 28 करा दिया था मैंने पहले, एंट्री नंबर 28 हुई या नहीं हुई, हो गई नहीं हुई, चलो देखो जी एंट्री नंबर 28, एंट्री नंबर 28 है, क्रेडिटर प्रूव्ड है 40000, बचो ये ना कर्जा हुआ है हमने, वन बिल फॉर 8000 गुड परचेज हैविंग ओमिटेड फ्रॉम बुक्स, आ जा रहे हो सर, एक्चुअली ना ये बैलेंस शीट में हमने किया था, ये वाला पॉइंट बैलेंस शीट में ना क्रेडिटर है 32 के, बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने गया, ये किसी क्वेश्चन से ही लिया मैंने पॉइंट,
बैलेंस शीट में क्रेडिटर है 32 के, नीचे लिखा हुआ एडजस्टमेंट में क्रेडिट अप्रूव्ड एट 40, क्रेडिट अप्रूव्ड एट किया था, कह रहे एक बिल 8000 का था गुड परचेज का, हम भूल गए एंट्री करना, हम भूल गए एंट्री, यानी सीधी सी बात है क्रेडिट अप 32 से 40 हो गए, 32 से बैलेंस शीट में क्रेडिटर 32 गया, लेकिन पता चला क्रेडिटर कितने गया, क्या करूं? हाँ, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर, आप चाहो तो दो एंट्री कर सकते हो, परचेज टू क्रेडिटर 8000, फिर उसके रिवैल्यूएशन टू परचेज नेट एंट्री भी कर सकते हो, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर। ये एक क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट किया था कि क्रेडिटर प्रूव्ड एट दिस, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर 40000 के हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन में डेबिट में आ जाएगा। एंट्री में 29 कर चुके हैं, एंट्री में 29 कर चुके हैं, ये वो वाला क्वेश्चन है जो वीडियो में था, 29 से लेकर 31 तक, ठीक है भाई, वेरी गुड, 29 से लेकर 31 तक हम कर चुके हैं, 32 भी कर चुके हैं, 32 भी कर चुके हैं, ये पेज भी पूरा हो गया, ये पेज भी पूरा हो गया जी। बच्चों एक बात हूँ, पेपर में जाने से पहले ये वाला हैंड रिटन असाइनमेंट जरूर कर लेना, इसमें 52 पॉइंट ना अलग अलग क्वेश्चन के जो जो पॉइंट्स हैं वो एक ही जगह क्लब है, तो ये स्मार्ट स्टडी होगी कि भैया एक एक क्वेश्चन करना पेपर टाइम पे बहुत मुश्किल होता है, हमें सारे पॉइंट्स ही है, तो मैंने सारे पॉइंट्स जितने भी नए पॉइंट्स हैं वो एक जगह क्लब कर दिए, तो पेपर में जाने से पहले ये वाला असाइनमेंट तो करना मस्ट है। एंट्री नंबर 32 भी तो हो गया, मतलब 400-1200 इंश्योरेंस प्रीमियम, 600 अप्लाई टू नेक्स्ट ईयर कराना है, 32 प्रीपेड इंश्योरेंस करा देता हूँ, 32 ठीक है हाँ जी, 33 पे आ जाइएगा, हाँ जी 33 एंट्री पे आ जाइएगा, जो क्या टाइम हुआ है भाई, हो जाएंगी सारी एंट्रीज, 20 मिनट हो जाएंगी, मैं देखो मेरे को ये वाला दो पेज कराने हैं, 33 नो एंट्री हैज मेड इंस्पेक्टर डेप्ट और 300 रिकवर्ड बाय ए फ्रॉम अ कस्टमर विच वाज प्रीवियसली टर्न ऑफ एज बैड इन अर्ली प्रीवियस ईयर, द अमाउंट इज पेड बाय ए नाउ, वो जो बैड डेप्ट रिकवर्ड हुआ था उसे हमारे पार्टनर ए ने रिकवर कर लिया, उसे हमारे पार्टनर, तो बैड डेप्ट रिकवर्ड की एंट्री बताओ, पैसे ले लिए ए ने, पैसे ले लिए ए, कैपिटल डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, बैड डेप्ट रिकवर्ड इनकम होती है, बैड डेप्ट रिकवर्ड हमारी क्या होती है इनकम, और वो हमारे पैसे किसने ले लिए, पार्टनर ए ने, तो पार्टनर ए को डेबिट कर देंगे, फिर बैड डेप्ट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन, फिर बैड डेप्ट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन, ये वाली एंट्री मैंने पहले की हुई है शायद, डायरेक्ट कर सकते हो ए कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, ए कैपिटल टू, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो ए कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। 34 एंट्री कर रखी है, क्या मैडम पोस्टिंग में क्या फर्क पड़ेगा, एक आपने डेबिट हो जाएगी और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, अगर आप नेट एंट्री करना चाहते हो तो बैड डेप्ट रिकॉर्ड कैंसिल आउट, एक आपने टू रिवैल्यूएशन। एंट्री नंबर 34 हो चुकी है पहले की नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट है 4000 की, वो पार्टनर बी लेकर जा रहे हैं 4900 में एंड बी पेड कैश फॉर इट, हो चुकी है पहले, हाँ जी जो बी ना कैश दे रहा है, कैश कितने का दे रहा है 4900, कैश कितना दे रहा है, इन्वेस्टमेंट कितने की जा रही है 4000 की, प्रॉफिट कितने हो गया, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, तो जो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा 900 से, कैश में ऐड हो जाएगा 4900 और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी 4000 से, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी 4000 से, अगर बी कैश ना दे रहा होता ना तो बी कैपिटल डेबिट होती, अगर बी कैश ना दे रहा होता तो क्या डेबिट होती, बी कैपिटल डेबिट होगी। 35 हो चुका है क्या, 35 देखो जी, इन्वेस्टमेंट है 4000 की, 40000 की, आधी इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहे हैं ए और बी इन प्रॉफिट शेयर रेशियो और रिमेनिंग वैल्यू हो रही है 26000 में, क्वेश्चन में क्या था ये पॉइंट, हाँ जी इन्वेस्टमेंट 40000 की है, ए और बी लेकर जा रहे हैं, 40000 की इन्वेस्टमेंट है ए और बी लेकर जा रहे हैं, ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू, ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, 20000 की इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट शेयर रेशियो में लेकर जा रहे हैं 12 और 8, बाकी इन्वेस्टमेंट 20 की है उसे रिवैल्यू कर रहे हैं 26 पे, बाकी इन्वेस्टमेंट 20 की है उसे रिवैल्यू कर रहे हैं 26 पे, कितने का प्रॉफिट हो गया, 40000 की इन्वेस्टमेंट ए और बी लेकर चले गए, ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बाकी जो इन्वेस्टमेंट है 20000 वाली वो रिवैल्यू कर रहे हैं 26 पे, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 6000 का प्रॉफिट हो गया।
36 एंट्री कर चुके हैं, जो 37 कर चुके हैं, 38 कर चुके हैं, 36, 37, 38 कर चुके हैं ना, 39 पे आ जाओ। वो जो 39 है क्वेश्चन में गया था, क्वेश्चन में 73 में पॉइंट डील गया था। कर दो रेस भाई, हो गई एंट्रीज। हाँ जी, देखो जी क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 39 अगर आपको याद हो, हमने क्वेश्चन में किया था, ये बैलेंस शीट है, ये रिजर्व्स है, डेटर है 46 और प्रोविजन पहले से क्रिएटेड है 2000 के। ट्वेंटी% रिजर्व रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। है जो रिजर्व कितने का है, 10000 का है। रिजर्व कितने का है, कितना प्रोविजन, प्रोविजन कितना लाना है, 20% प्रोविजन आना है, ये प्रोविजन आ देंगे और बाकी जो फ्री रिजर्व होगा वो पार्टनर बांट देंगे। रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल कर दो। किया था ये वाला भी 73 क्वेश्चन में पॉइंट, वो और बना देंगे। तो मैंने देखो ये रिजर्व है 10000 का, इसका प्रोविजन आना है 2000 का और बाकी पार्टनर बढ़ जाएगा। अब जो बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, बैलेंस शीट में क्या शो होगा, डेटर्स, डेटर्स हैं आपके 46, पहले से प्रोविजन था 2 और बन गया, टोटल प्रोविजन कितना हो गया 4, तो बैलेंस शीट में आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा 73 क्वेश्चन में किया था ये पॉइंट मैडम, और पार्टनर्स में रिजर्व बढ़ जाएंगे 4 के। हाँ, जो क्वेश्चन 40 भी एंट्री में 40 भी हमने किसी क्वेश्चन में की थी, याद होगा आपको, इसी क्वेश्चन 73 में की थी एंट्री में 40 भी हमने की थी, एंट्री में 40 की थी हमने क्वेश्चन 73 में। कोई बताएगा, बैंक ऑर्डर ऑफ बैलेंस शीट में 20000 का, ये कह रहा मैं बैंक ऑर्डर पे कर दूंगा, ये कह रहा मैं बैंक ऑर्डर पे कर दूंगा, क्या एंट्री आएगी? हेलो हेलो, हाँ जी, 11:30। हाँ, बैंक ऑर्डर डेबिट टू ए, बैंक ऑर्डर डेबिट टू, बैंक ऑर्डर डेबिट टू ए, याद आया, किया था ना हमने ये। आगे चलते हैं, एंट्री नंबर 42 आउटस्टैंडिंग रेंट, 41 कर चुके हैं, 42 आउटस्टैंडिंग रेंट इज टू प्रोवाइडेड फॉर है, आउटस्टैंडिंग रेंट को प्रोवाइड फॉर करना है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, एक आउटस्टैंडिंग रेंट प्रोवाइड फॉर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। एंट्री नंबर 43 बैलेंस शीट में ना डेटर्स है और प्रोविजन है, और नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है, ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं, तो सारे डेटर अच्छे हैं तो प्रोविजन किस बात का बना रखा है, तो प्रोविजन खत्म कर दो। अगर जो बैलेंस शीट में डेटर है और प्रोविजन बैड डेटर, और नीचे एडजस्टमेंट दे रखी हो, ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर, जो सारे डेटा अच्छे हैं तो प्रोविजन क्यों ना रखा है, प्रोविजन डाउटफुल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, प्रोविजन डाउटफुल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, प्रोविजन डाउटफुल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, जो 44 हो चुका है, 45 अब बिलो 13,000 फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैज बीन ओमिटेड, नाउ इज टू प्रोवाइड फॉर, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का बिल है आउटस्टैंडिंग है वो मैं बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक लाइबिलिटी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करनी है। तो अगर आपको एक आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एक लाइबिलिटी है बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं है, एक लाइबिलिटी है बुक्स के अंदर रिकॉर्ड, तो उसे रिकॉर्ड कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग।